नमस्कार, विनीत रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रामनवमी है, तो रामनवमी का आप सबको हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज रामनवमी के हम लोग पूजा करते हैं। तो पिछले साल भी पूजा में हम यहाँ नहीं, पिछला साल के पूजा में हम पटना में थे और इस बार हम गांव पर आए हुए हैं। इसके दो साल पहले हम गांव पर किए हुए थे, तो वीडियो आप लोग को डाले हुए थे तो देखे होंगे। तो फिर इस साल गांव में हम कर रहे हैं रामनवमी की पूजा। तो रामनवमी की पूजा में क्या क्या करना रहता है, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर है, ये गुड़ का खीर बन रहा है। केवल चावल और गुड़ डाले हुए हैं, पानी में ही बन रहा है, इसमें दूध नहीं पड़ता है। तो ये बन चुका है। और यहाँ पे दाल है, जो दाल हम बॉयल कर रहे हैं कुकर में, चना का दाल है जो भरने के लिए होता है। और यहाँ पे है, ये है कि आटा में गुड़ मिलाए हुए हैं और इसको घोरे हुए हैं, तो ये गुलगुला बनाने के लिए है। तो इसको फेंटना है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आटा को गूंथना है पूरी बनाने के लिए। तो पहले हम इसको पहले फेंटेंगे इसको हम, क्योंकि इसको फेंटने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए ज़्यादा का काम नहीं था, थोड़ा सा पूजा करने के लिए था। तो ये पूजा जो है कि घर घर सबके घर होता है, तो इसलिए बस अपने ही घर इसको खाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम बना रहे हैं। इसको खूब फेंटना है, तो इसमें फिर आप लोग देखते रहिए कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। ये खीर जो है तैयार हो गया है, अब हम इस चूल्हा को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर दिए। अब दाल इस पर का है, ये बन रहा है, ये बनेगा, इसको बंद करेंगे। तो अभी चूल्हा पर चढ़ा है, चना का दाल देर लगता है पकने में, तो इसलिए अभी बन रहा है। गुलगुला का आटा इतना फेंटना रहता है कि ऐसे उठाएं तो ये टूटे नहीं, टूट जो रहा है ये नहीं टूटना चाहिए। अब जब तक ये फूल रहा है तब तक हम आटा गूंथेंगे। तो एक बार मेरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितना पसीना हमको हुआ है, कितना गर्मी है यहाँ पे। इस अब आटा गूंथ रहे हैं। अब एक तरफ मेरी गोतनी है, बड़ी वाली दीदी, तो वो लोग बना रहा है, उनका सब चीज़ बन गया है। अब लास्ट नहीं बन रहा है, और मेरा सब चीज़ अभी बचा हुआ है। देखते हैं कितना देर में मेरा होता है। भी गुथा गया, अब मेन इसका जरूरत है, सब काम हो गया इधर का। तो चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं कि उधर क्या हो रहा है, दीदी लोग क्या कर रही है। इधर का सब काम हो गया एकदम फिनिश है, लास्ट
काम हो रहा है इधर पूरी का। और ये पहले अखराया जाता है, तब उसके बाद तला जाता है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, हम भी कर लें, मेरा अभी लेट है ये कुकर का प्रेशर निकालने में, तब तक चलते हैं हम भी गुलगुला बना लेते हैं। प्रेशर निकल गया है तो इसको हम चलते हैं, पर इसका पानी गिरा करके आते हैं। दाल को इसी से बैस कर दे रहे हैं, तब सिल्वर पर पीसना नहीं पड़ेगा। और मिक्सी में निकाल के करने में समय बर्बाद हो रहा है, हमको लेट हो रहा है, इसीलिए इसी से मैश कर दे रहे हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर मैश हो रहा है।
बन गया है और गुलगुला भी बन गया है। तीनों चीज बन गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं पूजा रूम में, यानी किचन में। पहले का किचन वो है, अब पूजा रूम है, तो उसी में चलते हैं पूजा करने के लिए ये सब सामान लेकर के। तो दीदी यहाँ पर सरिया रही हैं सब पूजा का सामान, और इसके बाद हम भी एक तरफ, दूसरे तरफ मेरा भी कलश रखा हुआ है, तो वहाँ हम भी सजाएंगे सब, रोटी खीर जो भी है। तो हम लेकर के आ गए हैं, अब देखिए हम दोनों आदमी बैठ करके सब सजाएंगे। पनिया पिया हूँ पाटे भाई।
बनिया पियाहु पाठे बैठी है सातो बहिना हमारा के कुछ दिन आशीर्वाद की हम जैसा नाम लीना हमें जुड़ा वालू की संतो हर तो ही जुड़ा सुखी दिया बाड़ी ससुरा पतो नई दिया बाड़ी ससुरा पतो बाड़ी नई हरा के करा के मैया दिले आशीर्वाद तो मेरा वीडियो दोस्तों समाप्त हुआ। तो वीडियो में बहुत सारा गाना हुआ है लेकिन सारा गाना काट दिए हैं, तो एक शुरू में और एक लास्ट जो गाना गाया जाता है उसी को पूरा किए हैं, लेकिन गाना भी लास्ट वाला एकदम थोड़ा सा डाले हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नाम था तो थोड़ा करके डाले हैं। अब पूजा मेरा समाप्त हुआ तो हम लोग गोड़ ला करके अब हम दरवाज़ा बंद करके तो फिर बाहर हम लोग निकलेंगे कि मैया अपना खाना जो खाएंगी और उसके बाद हम लोग 5-10 मिनट के बाद फिर आएंगे तो फिर अपना पूरा उठा करके ले जाएंगे। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए तथा दूसरे वीडियो के इंतज़ार में आप लोग मेरे वीडियो को देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।